हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 102। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टी लेटर खत्म हो चुका था, यू लेटर खत्म हो चुका था, आज है हमारी बारी वी लेटर की। सो चलिए शुरू करते हैं, 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेसिलेट। सो वेसिलेट का मतलब होता है कि आइडियाज ओपिनियंस के बीच में डिसाइड नहीं कर पाना कि ये करना है या ये करना है, वेवरिंग होना, यानी कि डिसाइड नहीं कर पाना। सो लिखते हैं इसका मीनिंग, टू कीप चेंजिंग योर आइडिया एंड ओपिनियंस अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज से रिलेटेड आपके आइडियाज और ओपिनियंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जैसे पिक्चर देखिए, यहाँ ये लड़की कभी इधर की तरफ जा रही है, कभी इधर की तरफ जा रही है, तो डिसाइड नहीं कर पा रही है, ठीक है, इस साइड जाना है कि इस साइड जाना है। दो रास्तों के बीच में भी हो सकता है या फिर कोई दो चीज़ों के बीच में डिसाइड ना कर पाना। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा इसलेट। इसलेट होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेवर। वेवर का मतलब होता है बी इनडिसिसिव, यानी कि डिसाइड ना कर पाना, बी इन डिसिसिव यानी कि निश्चय ना कर पाना, वेवर होना, ठीक है, वेवरिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेकलेस। रेकलेस होता है मेरा केयरलेस, जो केयरलेस होता है। और लास्ट वर्ड है मेरा रेजोल्यूट। रेजोल्यूट होता है मेरा अनवेवरिंग या डिटरमाइंड, जो दृढ़ निश्चय कर चुके होते हैं, जो डिसाइड कर चुके होते हैं, जो वेवर नहीं करते, अनवेवरिंग और डिटरमाइंड, ठीक है। तो हमने वर्ड में एक एंटोनिम भी ले लिया है। सो वेसिलेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेवर हो जाएगा, और रही बात एंटोनिम की, तो वो लिख जाएगा रेजोल्यूट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेपिट। सो वेपिट होता है मेरा डल, बोरिंग सा, मतलब जैसे ही पिक्चर में आपको ये व्यक्ति दिख रहा है, ये पर्सन दिख रहा है, डल और बोरिंग, विदाउट एनी इंटरेस्ट, यानी बिना इंटरेस्ट, बिना एक्साइटमेंट के, बिना, नीरस और फीका। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा ग्रंट। ग्रंट होती है कैमल की आवाज़, जो साउंड कैमल निकालता है, यानी कि साउंड ऑफ अ कैमल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है, डल और बोरिंग, डल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्लेंडर। स्लेंडर का मीनिंग होता है, ये होता है पतला, स्लिम, पतला। और लास्ट वर्ड है मेरा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक पीरियड होता है प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच में, उस पीरियड को एडोलेसेंस बोलते हैं, या आपने साइंस में पढ़ा होगा अपना बायो में, पीरियड बिटवीन बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, इनके बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। तो हमारा वैपिड का मीनिंग क्या लग जाएगा, डल, टीडियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेहमेंट। सो वेहमेंट होता है, नेगेटिव वर्ड है ये। वेहमेंट का मतलब होता है एंग्री हो जाना, एकदम से स्ट्रांग फीलिंग्स दिखाना, गुस्सा हो जाना, स्पेशली एंग्री। सो वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और फीलिंग्स कैसी है, नेगेटिव फीलिंग्स है, यानी नेगेटिव फीलिंग्स, स्पेशली एंगर, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्पीच देते 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 वायलेंट हो गया, गुस्से में हो गया। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या होता है, ये होता है स्ट्रिक्ट, सख्त, मैंने टच लिख दिया, टफ लिखना था, टफ, और या फिर स्ट्रिक्ट यानी सख्त, कठोर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मिंट। मिंट एक जगह होती है जहाँ पर कॉइन्स और मेडल्स बनाए जाते हैं, अ प्लेस वेयर कॉइन्स और मेडल्स आर मेड। मिंट एक ओ डब्ल्यू है, से ये आया हुआ है, अ प्लेस, इसको याद रखिएगा, वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, वो क्या होती है जंगे का नाम, मिंट है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ट्यूलर। टिट्यूलर होता है मेरा
existing ओनली इन नेम, यानी कि नाम मात्र के लिए जो चीज़ होती है ना टिटुलर, तो ऐसे याद रखिएगा टिटुलर टाइटल जैसे सूट कर रहा है और टाइटल सिर्फ नाम के लिए जो टाइटल है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वॉयलेंट। वॉयलेंट होता है अग्रेसिव हो जाना, तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है वॉयलेंट। वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर पावरफुल, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कठोर और पावरफुल होना, ठीक है। इसमें स्पीच को लेकर है, सो वेमेंट का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, वॉयलेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ विनल। सो विनल का मतलब होता है करप्ट, जो ब्राइब लेते हैं, जो घूस खाते हैं, जो करप्ट होते हैं मोरली। अगर आपने ये सीरियल देखा होगा भाभी जी घर पर है, तो ये जो इंस्पेक्टर है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा घूस लेता है, ये करप्ट इंस्पेक्टर है। सो इसका मीनिंग हो जाएगा कैपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब्ड, यानी कि जो घूस खाता हो, ठीक है। सो ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है एक ऐसा मैच जिसमें कोई भी पार्टी, मतलब कोई भी टीम जीतती नहीं है, नो वन विंस। अ गेम इन विच नो वन विंस, दोनों में से कोई भी टीम नहीं जीतती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा करप्ट। करप्ट कौन होता है, जो मॉरली गलत होता है, जो ब्राइब लेता है। सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू एक्ट डिसऑनेस्टली, रिटर्न फॉर मनी, यानी पैसों के लिए कुछ ऐसा गलत काम, डिसऑनेस्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं, रिटर्न में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, पैसे देकर काम करवाना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मार्वेलस, ये होता है वंडरफुल। मार्वेलस होता है वंडरफुल, तो आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, पिक पे कमेंट भी करते होंगे, मार्वेलस सो वंडरफुल। लास्ट वर्ड है मेरा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होता है रियल, ऑनेस्ट होता है मेरा रियल, रियल और ट्रूथफुल। जो चीज सही हो, सत्य हो, वो होती है मेरी ऑनेस्ट। तो हमारा वेनल का मीनिंग क्या लग जाएगा, करप्ट लग जाएगा, और ऑनेस्ट क्या लग जाएगा, इसका एंटोनिम लग जाएगा। करप्ट कैसा हो गया, बेईमान। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेनरेट। वेनरेट का मतलब होता है किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति ग्रेट रिस्पेक्ट शो करना, बहुत ज्यादा सम्मान दिखाना। तो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, शोइंग और हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट या फिर रिवरे। रिवरे क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, जैसे यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं महात्मा गांधी को, कौन दे रहे हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या दे रहे हैं, इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ठीक है। सो ये इनकी रिस्पेक्ट में। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा सेन। सेन का मीनिंग है मेरा, ये होता है सेंसिबल, जिसमें दिमाग हो, बुद्धि हो, सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है जो आशावादी होते हैं, जो अच्छी चीज सोचते हैं, वन हु थिंक्स द ब्राइट थिंग्स, मतलब जो अच्छी चीजें देखता है, अच्छा सोचता है, हर चीज के पीछे पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव। सो नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिवरी। रिवरी क्या होता है, शोइंग ग्रेट रेस्पेक्ट, जो किसी के लिए सम्मान की भावना होती है, शोइंग ग्रेट रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रैंग। रैंग का मतलब होता है मेरा, रैंग का मतलब होता है एंग्रीली डिस्प्यूट करना, लड़ाई झगड़ा करना, टू डिस्प्यूट एंग्रीली। सो हमारा वेनरेट का मीनिंग क्या लग जाएगा, रिवरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेनाइल। वेनियल। वेनियल का मीनिंग होता है मेरा छोटा सा कोई पाप, फॉल्ट या रॉन्ग डूइंग, मतलब छोटा सा कोई पाप जिसकी आपको माफी मिल सकती हो। तो ये किसके लिए यूज होता है, सिन या फिर फॉल्ट के लिए। नॉट वेरी सीरियस, नॉट वेरी सीरियस एंड एबल टू बी फॉरगिव,
यानी जिसकी आपको माफी मिल सके और वो छोटा सा पाप हो, ज्यादा सीरियस नहीं करा हो, जैसे घर में मम्मी ने कुछ बनाया हो और मम्मी ने छुपा के रखा हो और आपने उसकी चोरी कर ली हो चुपके से कि कल पहले इसका भोग लगेगा उसके बाद ही उसको खाना, तो आपको उसको क्या करो चुपके से खा लो, तो वो एक छोटा पाप हो गया, ठीक है। तो घर वाले उसमें आपको कंप्लेन तो कर नहीं देंगे, तो वो छोटा पाप है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर देखिए, इट्स अ सिन टू ईट दैट, तो ये चूहा है और ये क्या खा रहा है, पेस्ट्री खा रहा है, ये जो भी आइसक्रीम खा रहा है, सॉरी, ठीक है। तो पहला आप देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा इनएक्सक्यूजेबल। इनएक्सक्यूजेबल ऐसा कोई चीज़ होती है जिसकी आपको क्षमा नहीं मिल सकती, यानी कि आप उसको उसको फॉरगिव नहीं कर सकते या फिर वो करना अलाउड नहीं है, कैन नॉट बी अलाउड, यानी ये चीज़ करना अलाउड नहीं है, एक पाप है या फिर फॉरगिवन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एकाउस्टिक्स। एकाउस्टिक्स याद होगा आपने, एकाउस्टिक्स से कुछ याद आया होगा, हमने एकूस्टिकोफोबिया पढ़ा था, एक वर्ड एकूस्टिकोफोबिया, ये होता है फोबिया यानी फियर ऑफ साउंड, साउंड का डर, और अकूस्टिक्स होता है मेरा स्टडी ऑफ साउंड, ऐसे याद रखना है रिलेट कर कर, स्टडी ऑफ साउंड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अपैक्स। अपैक्स होता है मेरा पिनैकल, ठीक है, यानी जेनिथ यानी हाइएस्ट पॉइंट, शिखर, पिनैकल या फिर जेनिथ, ये हनी हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट। लास्ट वर्ड है मेरा पैकाडिलो। पैकाडिलो भी क्या होता है, एक माइनर ऑफेंस, अ माइनर ऑफेंस, छोटा कोई भी पाप, अ माइनर ऑफेंस। सो एक वर्ड तो था हमारा वीनल, एक वर्ड है हमारा विनाइल। देखिए ये रहा वीनल, इसका मतलब है ब्राइब लेना यानी घूस लेना, और इसका मतलब क्या है, छोटा मोटा कोई अपराध, तो ये ध्यान रखना है। सो इसका मीनिंग है पेकाटिलो। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ वेरेसिटी। तो वेरेसिटी होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और रियल, यानी कि सही होने की क्वालिटी, और क्या, जैसे कि हमने पिक्चर लगाई है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये पिक्चर देखी होगी, तो इसमें क्या है, गोविंदा जी हर टाइम पे झूठ बोलते रहते हैं स्टार्टिंग में, तो झूठ से ही उनका घर बसता है, झूठ झूठ चलता है। So, the quality of being true or real, यानी सही होना, तब एक क्वालिटी होना, सही होने की, सत्य होने की क्वालिटी होना। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा हीड। हीड का मतलब है, हीड का मतलब है मेरा पे अटेंशन, यानी कि सावधानी बरतना किसी चीज को करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ट्रुथफुल। ट्रुथफुल अपने आप में इसका मीनिंग लग जाएगा, कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रुथ, कैपेबल ऑफ बीइंग रियल, ट्रू, करेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मीनिंग होता है कोई भी प्राकृतिक आपदा, ट्रेजिडी होना, क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब क्लाइमेट में खराबी आना, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी और कैलमिटी, ठीक है, यानी आपदा आना। लास्ट वर्ड है मेरा फॉल्सिटी। फॉल्सिटी में फॉल्स दिख रहा होगा, तो यानी ऐसी क्वालिटी जिससे आप झूठे साबित होते हो, यानी क्वालिटी ऑफ बीइंग, क्वालिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग, इनकरेक्ट या फिर फॉल्स, ठीक है। तो इस पिक्चर का एग्जांपल याद रखिएगा, वेरेसिटी से याद रखिएगा, यानी ऐसी क्वालिटी यानी सत्य होने की क्वालिटी, इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, ट्रुथफुलनेस, और एंटोनिम क्या लग जाएगा, फॉल्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ वर्बोज। सो वर्बोज होता है फुल ऑफ वर्ड्स, यानी मोर देन नीडेड, वर्ड से ज्यादा, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा एक्स्ट्रा वर्ड्स, यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, यानी जरूरत से ज्यादा यूज करना वर्ड्स का। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा लेकोनिक। लेकोनिक आपने पढ़ा होगा, लेकोनिक का मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी कम शब्दों का यूज करना, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों का प्रयोग करना, टर्स हो गया, सकिंट हो गया, सारे इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जो चीज़ पीने के लिए योग्य हो, सेफ फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्कमलोक्यूटरी। सर्कमलोक्यूटरी होती है घुमाकर बात करना, एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज कर घुमा फिरा कर बातों को कहना, यानी यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करना। और लास्ट वर्ड है मेरा ट्राइपॉड। ट्राइपॉड होती है एक चीज
एक स्टैंड जिसमें तीन पैर होते हैं, तो ट्राइपॉड का यूज करते हैं अब सब. अ स्टैंड विद थ्री लेग्स, यानी जिसमें कैमरा मतलब फोन अटैच करके वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो ट्राइपॉड होता है. वर्बोज का मीनिंग लग जाएगा हमारा सर्कमलोक्यूटरी, और इसका एंटोनिम लग जाएगा लैकोनिक. नेक्स्ट वर्ड है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्सिमिलिट्यूड. सो वर्सिमिलिट्यूड होता है एक ऐसी अपीयरेंस जिससे कोई सच सत्य है, कोई चीज सही है, उसका पता चलना. द अपीयरेंस ऑफ समथिंग बीइंग ट्रू और रियल. तो अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल. ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन है मेरा कॉलोसल. कॉलोसल का मीनिंग होता है मेरा, ये होता है ह्यूज और एनॉर्मस, यानी बहुत ज़्यादा विशाल. ये वर्ड पढ़ा होगा आपने, एनॉर्मस और ह्यूज. कॉलोसल का मतलब भी होता है बहुत विशाल. नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्ट्रेनस. स्ट्रेनियस. स्ट्रेनियस का मतलब होता है, ये होता है डिफिकल्ट, यानी कठिन प्रयास, कठिन कार्य, कोई कठिन कार्य या प्रयास, कोई भी चीज़. नेक्स्ट वर्ड है मेरा वियरी. वियरी का मीनिंग है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी थका हुआ महसूस होना. कैसी फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं और शो कर रहे हैं. लास्ट वर्ड है मेरा रियलिज्म. रियलिज्म कैसी होती है, क्वालिटी ऑफ बीइंग रियल. क्वालिटी ऑफ बीइंग रियल, सत्य होना, सच्चे हो, सत्य होना, सच होना. तो वर्सिमिलिट्यूड का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, रियलिज्म. नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्नैक्युलर. सो वर्नैक्युलर होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है जिसमें हम बातचीत करते हैं वो. सो ये है हमारा लोकल लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में जो भाषा बोली जाती है वो होती है मेरी वर्नैक्युलर. जैसे बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, ठीक है. सो ये सारी, मराठी हो गई, ये सारी आम भाषा है किसी जंगे की, एक स्टेट की. ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन है मेरा वीसीएस. वीसीएस वीसीएस होता है मेरा क्रूर, यानी कि क्रूर यानी क्रूएल. नेक्स्ट वर्ड है मेरा जार्गन. जार्गन होती है मेरी आम बोलचाल की भाषा, लोकल लैंग्वेज. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेस्टेट. इंटेस्टेट का मतलब होता है जो कोई एक वसीयत के मिला बिना मर जाता है, जिसको वसीयत नहीं मिलती होती, मिली होती है, मतलब प्रॉपर्टी नहीं मिली होती है. सो ये होता है वन वन हु डाइज विदाउट अ विल. लास्ट वर्ड है हमारा गॉर्मेट. गॉर्मेट होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छे खाने से बहुत प्यार होता है और उसको बहुत नॉलेज होती है खाने की ना. वन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, और उसके बारे में बहुत कुछ जानता हो क्या, खाने के बारे में. तो ये गॉर्मेट हो जाएगा. वर्नैक्युलर का मीनिंग लग जाएगा जार्गन, आम बोलचाल की भाषा. सो ये है हमारे 10 वर्ड्स वी के. क्विक रिवीजन करते हैं. एक पहला वर्ड है वेसिलेट, यानी वेवर होना, इनडिसिसिव होना. नेक्स्ट वर्ड है मेरा वैपिड, ये होता है टीडियस, यानी डल और बोरिंग. नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेहमेंट, ये होता है वायलेंट. नेक्स्ट वर्ड है वेनल, ये होता है करप्ट. नेक्स्ट वर्ड है वेनिरेट, ये होता है रिवरी, शोइंग अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेनियल, ये होता है पेक्काडिलो, माइनर ऑफेंस. वेरासिटी का मतलब होता है हमारा ट्रूथफुलनेस. नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्बोज, ये होता है फुल ऑफ वर्ड्स, यानी सर्कमलोक्यूटरी. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्सिमिलिट्यूड, यानी रियलिज्म. लास्ट वर्ड तक वर्नैक्युलर, यानी जार्गन. सो ये है हमारे 10 वर्ड्स. आई होप आप इनको हमारे साथ पढ़ रहे होंगे. सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू एवरी वन.